नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार में नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। गहलोत सरकार ने नहीं घटाए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, फिर भी बोल रहे हैं राज्य सरकार को 1200 करोड़ का नुकसान होगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अपडेट है आज की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासी विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों को केंद्र सरकार ने नकार दिया है। गहलोत ने राजस्थान में अपने आप वेट घटने का ट्वीट किया था, जिससे प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू लॉस होने की बात कही थी। साथ ही बयान भी जारी किया था कि अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र ने अपने हिस्से के एक्साइज ड्यूटी घटाई है, राज्यों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि नवंबर 2021 में भी केंद्र के हिस्से से ही पूरी कटौती की गई थी। निर्मला सीतारमण के बयान से विवाद और बढ़ गया है। राजस्थान के बीजेपी नेता गहलोत सरकार से वेट घटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने में उतर चुके हैं। क्या दोस्तों, गहलोत सरकार ने कोई भी पेट्रोल डीजल पर वेट नहीं घटाए हैं, ये केवल केंद्र सरकार ने घटाए हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि हमने भी घटा दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से तपे राजस्थान में सोमवार सुबह की शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत पूरी राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान करौली, अलवर, दौसा, झुंझुनू के कई इलाकों में 10 mm तक बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पास आ गया है, जबकि ठंडी हवा चलने से दिन के बारे में भी कमी आई है। ये मौसम 24 मई तक रहने की संभावना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। जोधपुर में पानी पर पुलिस का पहरा। जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं, पानी का संकट गहरा गया है। नेहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। क्लोजर की अवधि बढ़ने से पंजाब से पानी आने में वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। पंजाब से पानी आने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे। हालात को देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और पानी पर पहरा बिठा दिया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में विधायकों को फिर से कैद करने की तैयारी में है गहलोत सरकार। राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक बाड़बंदी हो सकती है, जिसका कारण है राज्यसभा की 4 सीटों पर 10 जून को होने जा रहे चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम पर तेजी का मंथन शुरू कर दिया है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में आती साफ दिखाई दे रही है, जबकि 4थी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो सकता है। इसी पर कांग्रेस का लड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यह सीट निर्दलियों को साथ लेकर जीती जाएगी। 4थी सीट पर जीत निर्दलीय बीटीपी, आरएलपी और मकपा के सदस्य करेंगे। बीजेपी इतनी आसानी से 4थी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर बीजेपी ने 2 सीटों के लिए कैंडिडेट उतारे तो राजस्थान चुनाव के लिए एक बार फिर से बाड़ाबंदी हो सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा और 31 मई तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। दोस्तों, ये थी राजस्थान की शाम की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।